हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा आज फिर एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि टाइटल से आप जान ही गए होंगे, ये वीडियो है ज्वेलरी हैक्स के बारे में। कई बार हमें मैचिंग ज्वेलरीज नहीं मिलती या जो हम पहनना चाह रहे हैं हमारी ड्रेस के साथ सेट नहीं हो रहा और हमारे पास नहीं है, तो जो हमारे पास ज्वेलरीज हैं उनको हम यूज करके किस तरह से इन हैक्स को करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में हम बनाएंगे मांग टीका। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेंडेंट है, ये देखिए, तो इससे हम मांग टीका कैसे बनाएंगे। तो इस पेंडेंट में हम ऐसी, ये काली डोरी हम सबके ही घर में होती है, तो हम इस काली डोरी को इसमें डाल के, ये देखिए, इस तरह से डाल के और इसमें से इस डोरी को हम निकाल लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसे, ये देखिए, इस तरह से पहनेंगे और पिन से इसे फिक्स कर लेंगे। और फिर आप चाहे साइड पार्टिंग या कैसे भी कर, तो ये बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने इसे किसी पेंडेंट से बनाया है। और देखिए ये पहनने में भी कितना ही सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट हैक में भी हम बनाएंगे मांग टीका, पर हम ये बनाएंगे इयर रिंग से। इस तरह के इयर रिंग्स जनरली हम सबके ही पास है, तो इसी में भी हम सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे इस ब्लैक डोरी से। इसमें उसी तरह से हम नॉट लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और हमने इसके हुक को भी नहीं निकाला, इसे यहीं पे ये हाइड कर देंगे हम और इस तरह से इसे लगा देंगे। अब देखिएगा ये पहन के कितना सुंदर लगता है। तो ये इस तरह से हमने इसे यहाँ से पिन की हेल्प से फिक्स कर लिया, और यहाँ साइड पार्टिंग से ये शो भी नहीं हो रहा है कोई थ्रेड या लूप आपका, कि आपने इसे इयर रिंग से बनाया है और ये कितना ही अच्छा लग रहा है। थर्ड हमारा हैक जो है वो ये देखिए, जैसे ये एक नेकलेस है हमारे पास, पर इसे मैं एज अ ब्रेसलेट यूज करूंगी। तो कैसे, इसमें से हमने पहले इस डोरी को इधर निकाला और उसके बाद इसको इधर, और ये हमने इसे हाथ में डाल के, और आप इसे ऐसे सिंपल एक हम इस तरह से करके, और अब हम इस पे एक नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें एक सिंपल सी नॉट बनाई और इस तरह से ये हमारा ब्रेसलेट तैयार हो गया, जैसे आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ या इंडो वेस्टर्न के साथ पहन सकते हैं। तो ये है मेरी एक ऑक्सीडाइज्ड रिंग, ये देखिए ये एडजस्टेबल रिंग है। तो इस रिंग से हम आप अपने दुपट्टे का ब्रोच या अपनी साड़ी में भी एज ए ब्रोच यूज कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल है, तो हम इसे थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे और हम इसमें दुपट्टे को इस तरह से फिक्स कर देंगे। इस तरह से हमने इसे इसमें डाल दिया और अब हम इसे फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा बन गया ब्रोच। अब इसे अगर हम इसे दुपट्टे की तरह यूज़ करते हैं तो भी कितना अच्छा लगता है दुपट्टे में लगा के, और इसी तरह से हम अपनी साड़ी के पल्लू पे भी इसे लगा के यूज़ कर सकते हैं, और ये देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। पांचवा हैक भी है हमारा ब्रोच के बारे में, ये देखिए ये है एक पेंडेंट जिसपे स्टोन लगा है, बहुत ही खूबसूरत नेक पीस का है ये। तो हम इसे भी दुपट्टे में डाल के, फिर आप चाहे उसे साइड में लें इस तरह से इसमें दुपट्टा, जैसे हम चेन डालते हैं ना पेंडेंट में, वैसे ही हम इसमें दुपट्टा डालेंगे। ये देखिए ये इस तरह से पड़ गया, तो इसे आप इस तरह से भी दुपट्टा लेके डाल सकते हैं, और या इसे हम एज ए स्कार्फ, तो ये देखिए इस तरह से हम इसे एज ए स्कार्फ भी यूज कर सकते हैं, और ये कितना ही अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट है क्या हमारा, वो भी दुपट्टे पे, या आप कॉकटेल पार्टी वगैरह पे जो हम सिंपल साड़ीज पहनते हैं सोबर और सिंपल, तो उसमें ब्रोच बनाने के लिए। तो ये है मेरे पास एक चेन, ये देखिए स्टोन चेन, इसे हम बना सकते हैं सेम जैसे हम दुपट्टे पे इसे यूज करेंगे, इस तरह से इसे इस पे लपेट लेंगे पास पास करके थोड़ा सा, या आप जितनी दूरी में चाह रहे हैं और जितनी आपकी चेन की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये हमने डाल लिया, और उसके बाद हम इसके लॉक में इसे फिक्स कर देंगे। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, और इसे आप इस तरह से आप अपनी साड़ी के पल्ले पे भी कर सकते हैं, और सूट पे आप दुपट्टे के साथ भी इस तरह का कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे एज ए नेक गले पे भी इस तरह से आप डाल सकते हैं।
नेक्स्ट है कि हमारा एक पेंडेंट के ऊपर, अगर हमें ये सिल्वर पेंडेंट पहनना और हमारे पास नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। ये एक सिल्वर चेन है और ये रहा एक इयर रिंग। अगर आप पहनते पहनते बोर हो गए इयर रिंग को और आप इसे एज ए नेक पीस पहनना चाहते हैं तो सिंपल आपको क्या करना है, ये रहा चेन और इस चेन के लॉक को बंद कर देना है और इसमें इसे फंसा देना है। आप चाहें तो इसके लॉक को निकाल भी सकते हैं पर मैंने इसे ऐसे ही फिक्स कर दिया। ये देखिए इस तरह से ये एक नेकलेस तैयार हो गया। इससे आपको क्या है कि इसका हुक अगर आप निकालते नहीं है तो ये टूटेगा भी नहीं और ये पड़ा हुआ। अगर आप चाहें तो इसके बीच में एक सिंपल सा मोती भी डाल सकते हैं। तो ये रहा इसका लुक, ये देखिए आप कितना ही प्यारा लग रहा है ये। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट है कि हमारा ये जैसे इयररिंग्स है इसके मैंने ऊपर के हुक्स निकाल दिए हैं। अब हम इन्हें एज ए बटन भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा एक कुर्ता है, ये देखिए, तो इस पर हम इसे यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं एज ए बटन। इस तरह से यहाँ पे हम इसे स्टिच कर देंगे तो ये बन जाएगा बटन। तो हम इयररिंग्स को बटन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट है कि हमारा नेकलेस के ऊपर, अगर हमें बहुत हैवी नेकलेस पहनने का मन है, हमारे पास पर हैवी नेकलेस है नहीं, तो हम दो नेकलेसेस को एक साथ पहन के उसे हैवी लुक दे सकते हैं। जैसे कि ये रहा मेरा एक कुंदन का नेकलेस, तो पहले हम इसे पहनेंगे। ये देखिए जो फर्स्ट नेकलेस हम पहनेंगे उसे हम थोड़ा टाइट करके पहनेंगे इस तरह से। ये देखिए सेकेंड भी जो नेकलेस है मेरे पास, बस हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हम जो नेकलेसेस पहन रहे हैं वो सेम मटेरियल पे हो। जैसे मैंने पहला भी कुंदन पे पहना था और अब सेकेंड भी मैं ये कुंदन का ही पहन रही हूँ। दूसरे वाले को हम नॉर्मल जैसे पहनते हैं उसी तरह से पहनेंगे, थोड़ा सा लूज करके, और फर्स्ट वाले को हम पहनेंगे टाइट करके। तो ये देखिए, ये कहीं से भी ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा कि ये दो अलग अलग नेकलेसेस हैं। ये एक सिंपल नेकलेस लग रहा है जो आपने एक ही लिया, और आपको बिल्कुल एक नया लुक और एक नया डिजाइन मिल जाएगा जो आपको किसी के पास भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये लाइफ हैक्स कैसे लगे, ज्वेलरी हैक्स कैसे लगे, और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। ऐसे छोटे छोटे हैक्स से हम अपने रोज़मर्रा की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नया दिखने के लिए तो हम इस तरह से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर ज़रा सी भी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।